दिव्यांगों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से दिल्ली के मंगोलपुरी में एक दिव्यांग अधिवेशन का आयोजन किया गया। सक्षम इंद्रप्रस्थ एनजीओ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में दिव्यांगजनों की सुविधा के मद्देनजर भी खास इंतजाम किए गए, जहां एक ही पटल पर दिव्यांगों को कई सेवाएं दी गई। इस अधिवेशन में दिल्ली के अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में दिव्यांगजन उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम के सहभागी बने। साथ ही इस मौके पर इन दिव्यांगजनों को प्रेरित करने के उद्देश्य से राजीव गांधी खेल पुरस्कार विजेता विकास डागर, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से सांसद हंसराज हंस और IRS अधिकारी दीपक कुमार सहित कई प्रतिष्ठित लोग मुख्य रूप से उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान अनेकता में एकता और सद्भाव का संदेश लोगों तक पहुंचाते हुए कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी पेश की गई, जिसने सभागार में बैठे लोगों को खूब मोहित भी किया, जिसका गवाह तालियों की गूंज बनी। इस मौके पर दिव्यांगजनों ने भी सांस्कृतिक प्रस्तुति पेश कर अपने हुनर का लोहा मनवाया और लोगों तक ये संदेश पहुंचाया कि भले ही वो शारीरिक रूप से दिव्यांग है, लेकिन उनकी प्रतिभा किसी से कम नहीं है। इस मौके पर दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से मुख्य अतिथियों की उपस्थिति में ट्राईसाइकिल भी वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों ने दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। साथ ही सभी ने इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए इस तरह के कार्यक्रम लगातार आयोजित करने को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर कार्यक्रम के माध्यम से विकास डागर ने भी लोगों को खेल के प्रति जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेल के माध्यम से हम अपनी जिंदगी और भी बेहतर बना सकते हैं। सबसे जरूरी इस तरह के प्रोग्राम है जरूरी इसलिए कि अगर जरूरतमंदों को या उनकी नहीं सुनोगे जिनकी कोई नहीं सुनता तो क्या फायदा। तो हमारे इसलिए BJP पार्टी संगठन, प्रिय प्रधानमंत्री जी सबसे ज़्यादा गरीबों का चिंता करते हैं। करोड़ों घर बनाए जहाँ लाइट नहीं थी, लाइट कोरोना में आप देख रहे कितनी खिदमत की। तो ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए दिव्यांगों के लिए। मैं तो देखता हूँ कि बाकी जो नॉर्मल उनसे भी हिम्मत वाले लोग हैं, पढ़ के वो माइक में देख लो कह रहे थे कि हमें नौकरियां दो, हमें भीख ना दो। बहुत अच्छी बात है। बाकी जो जिसके कोई अंग नहीं चलता, बाजू नहीं चलती, टांग नहीं चलती, उनके लिए ये व्हीलचेयर दी गई है, रिक्शा दिया गया है, फूड दो, ये हमारा फ़र्ज़ है। ये भी एक मोटिवेशन होता है कि हमारे फील्ड से दिव्यांगता के क्षेत्र में जो जिन्होंने अचीव किया है, जब वो इस अधिवेशन में आते हैं तो सभी लोगों को मोटिवेशन भी मिलता है। साथ ही जहाँ तक मैसेज की बात है, मैं सभी को यही कहूँगा, क्योंकि एक मैं स्पोर्ट्समैन हूँ और स्पोर्ट्समैन के नाते मैं यहाँ पे सबको, मैंने अभी अपने वक्तव्य में भी सबको यही बोला है कि अपनी ज़िंदगी में एक स्पोर्ट्स जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये दिव्यांग अधिवेशन है और दिव्यांग अधिवेशन में ये सबको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आज के टाइम में पैरा स्पोर्ट्स और नॉर्मल स्पोर्ट्स ये दोनों सरकार ने बराबर कर रखे हैं। और मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि यहाँ से जाने के बाद अपनी लाइफ में कोई ना कोई, सभी दिव्यांगों को यही कहना चाहूँगा कि एक खेल जरूर ज्वाइन करें। आने वाले टाइम में यहाँ पे अगर वो खेलेंगे और देश के लिए मेडल जीतेंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी मजबूत होता है, तो आने वाले टाइम में एक गेम चेंजर साबित होगा। और एक बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा सक्षम, हमारा देशव्यापी संगठन है जो हर देश प्रदेश में हर जगह काम करता है दिव्यांगों के ऊपर। दिव्यांगता के कई प्रकार हैं और सक्षम भी एक ऐसा संगठन है जो हर दिव्यांगता को कवर करता है, चाहे वो मूक बधिर हो, चाहे वो लोकोमोटर हो, चाहे वो दृष्टिबाधित हो, या ऑटो डिजीज होती हैं ब्रेन की, मेंटल MR वाली, उनको कवर करता है। हमारा मकसद ये था कि सक्षम का मैसेज सब में पहुँचे, सक्षम किस क्षेत्र में काम करता है, इस तरह हम पूरे समाज में ये जो भी दिव्यांग हैं उनको ये बोध कराते हैं कि भाई आप किसी भी दृष्टि से कमजोर नहीं है, आप एक सकलांग के बराबर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। गौरतलब है कि आज दिल्ली सहित कई इलाकों में अलग अलग सामाजिक संगठनों द्वारा दिव्यांगजनों को समर्पित इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ऐसे कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य होता है कि दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, ताकि वो भी समाज में समान अधिकार के साथ ही लोगों के बीच सर उठाकर चल सकें। और इस कार्यक्रम में ऐसा देखने को भी मिला, जब दिव्यांगजनों की प्रस्तुति ने यह साबित कर दिया कि प्रतिभा के मामले में वो भी किसी से कम नहीं है। लिहाजा जरूरी है कि इस तरह के कार्यक्रम आगे भी लगातार आयोजित किए जाएं, ताकि दिव्यांगों को सशक्त बनाया जा सके। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन TV।